से सवाल है और हमारे बीच में सम्मान्य डी आर वर्मा जी, सम्मान्य रामकृष्ण जी मुगल जी, सम्मान्य रामचंद्र जी मीना जी एस साहब, एस डी एम साहब साहब भरत जी सैनी, डिप्टी साहब राजेश जी राजवलिया, तहसीलदार जी अनदार जी, संस्था के सभी आदरणीय पदाधिकारी, अकुल मोहन जी, कन्हैयालाल सिंह जी, गणेश जी, इकबाल भाई, बस्तर लाल जी, विनोद जी, गोपाल जी, पूर्व जी, महावर जी, अमीन साहब, नंदेव जी, कार्यकारिणी के सभी साथीगण, हमारे यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष जी बाबूलाल जी, मीना जी, रमण जी, बाबूलाल जी, मीना जी और तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकारिणी के साथीगण और हमारे ग्राम विकास परिषद के सभी कार्यकर्ता और आज इस प्रतिभावान सम्मान समारोह में पधारे पधारे हमारे सभा समस्त सौभाग्यशाली होनहार बालक बालिकाएं, रत्नाकर बंधुओं, युवा साथियों, मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। इस प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए जिसका उद्देश्य एकमात्र है कि सभी धर्मों में सद्भाव बना रहे, सामाजिक समरसता बने रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और ये सर्व समाज प्रतिभा सम्मान समारोह उस बात को इशारा करता है कि इस कार्यकाले में जो भी लोग हैं उनके मन में एक उमंग, एक उत्सुकता, एक लगाव, एक जिम्मेदारी है कि हम सभी समाज मिलकर प्यार और भाईचारे से अमन चैन के साथ में सुख शांति से अपने जीवन का बसर करें, दीन की सेवा करें, दुखों के महामाएं और जो पीछे पिछड़ गया जो रह गया उसको हाथ बढ़ाकर साथ लेकर चलने की परंपरा रखें ताकि सबका कल्याण हो, मन से हो, दिखावा ना हो, आडंबर ना हो, झूठ फरेब ना हो। कई बार ऐसे लोग शासन में आ जाते हैं जो दिखावा और आडंबर का काम करते हैं, कई बार ऐसी सरकार आ जाती है केवल झूठ बनाकर काम चलाती है, झूठ बोलकर जनता को गुमराह करती है, हकीकत में जनता के दिलों पर वही राज करते हैं जो सबके मन के भाव को समझते हैं, सबके मन की बात को समझते हैं, अपना मन की नहीं भोगते हैं, सबकी बात समझते हैं, कैसे कल्याण होगा, उनको हम कैसे साथ देकर चलेंगे, उनका कैसे युवाओं का सुनहरा भविष्य होगा, उस बातों को लेकर काम करने की जो अथक मन में इच्छा शक्ति होती है वो हमारे सरकार में है, हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी में है, आदरणीय सचिन पायलट जी में है कि हम लोग तन से मन से कर्म से वचन से वही काम करते हैं जो जनता ने जिस आशीर्वाद से हमको चुना है। हम किसानों का कल्याण चाहते हैं, युवाओं का कल्याण चाहते हैं, युवाओं में भविष्य चाहते हैं, युवाओं के रोजगार के अवसर का सृजन हो और